हाय एवरीवन, आई बिलीव कि आप सब बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फैजगी कंसल्टेंट एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज जर्मनी को लेकर बहुत अच्छी खबर है। जर्मनी के VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हर जगह इंडिया में ओपन हो चुके हैं और जर्मनी ने हर कैटेगरी वीज़ा की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो मैं ये अच्छी न्यूज़ आपको दिखाकर कन्फर्म कर देता हूँ। एंड नाउ आप देख सकते हो, ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट जर्मनी की, और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है prolongation of national visas if your visa for family reunification studies high qualified employment issued by the embassy or one of the German consulates in India has expired during lockdown you can hand in an application for reissuing of visa through VFS visa application centers in New Delhi until the end of this year। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिनके पास जर्मनी का वीज़ा था, चाहे वो फैमिली रीयूनिफिकेशन हो, चाहे पढ़ाई का वीज़ा हो, स्टडी का, चाहे जॉब का, अगर आपके लॉकडाउन में वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं तो इस साल के आखिर से पहले, ख़त्म होने से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी VFS सेंटर न्यू दिल्ली में और आपको दोबारा से वीज़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है जिनका लॉकडाउन में वीज़ा एक्सपायर हो गया था। आगे इन्होंने अपडेट दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उसको खुद से ही पढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, चाहे आप फैमिली रीयूनिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का, चाहे स्टडी वीज़ा का, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैं इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप पढ़कर खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी इस टाइम अगर आपको बैचलर डिग्री के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ले सकते हो, मास्टर डिग्री के लिए, जॉब के लिए। अब ऑलमोस्ट सारी वीज़ा एप्लीकेशन जर्मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो आप जल्दी से अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, उसके बाद वीज़ा मिल जाए, एंड देन यू कैन ट्रैवल टू जर्मनी। जो भी आपके प्लान हैं, चाहे जॉब हो, चाहे वर्क हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे फैमिली से मिलना हो, तो आप सारे अपने पर्पस को फुलफ़िल कर सकते हो। सो आई होप कि ये खबर आपको खुशी देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना ताकि आपको डेली जर्मनी की न्यूज़ मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑलवेज़ फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।